तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ VidIQ का 100% ऑफ जो है प्रोमो कोड, जिसको आप यूज़ करके इजीली जो है परचेस कर सकते हैं VidIQ को। तो वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक वॉच नहीं करते, इसलिए मैं जो है प्रोमो कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। आप लोगों को प्रोमो कोड जो है वीडियो में कहीं पर भी दिख जाएगी, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे VidIQ। सर्च करने के बाद हम लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर ये रहा इसका नीचे ऑफिशियल वेबसाइट, तो हम लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको जीमेल से आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग हैं, हम लोग जो है यहाँ से हम लोग जो अपने जीमेल से जो है इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने जीमेल से जो है इसको लॉगिन कर लिया है। इसको यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं। इसको हम लोग एक्सेस के लिए अलाउ मांगेगा, तो इसको अलाउ कर देंगे। जिस भी चैनल के लिए हम लोग, जिस ईमेल से हम लोग साइन इन करेंगे, उसको अलाउ मांगता ही है चैनल का एक्सेस के लिए, तो हम लोग यहाँ से अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग VidIQ के अंदर चलो लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारा VidIQ के अंदर जो है लॉगिन हो चुका है। ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लोग सीधा चलते हैं अपने प्लान में, प्लान के ऊपर जो इसको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। तो ये हमें प्लान दिया गया है, इसको हम लोग अपग्रेड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमें दो प्लान दिया गया है, तीन दिया गया है, तो हम जो है बीच वाला परचेस करेंगे। अगर आपको जो है पांच चैनल जो दिया गया है, अगर पांच चैनल आपको बूस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं तीन चैनल जो है उसको अपग्रेड करूँगा। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है अपने कार्ड की डिटेल जो है फिलअप करने के लिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके भी जो है कार्ड जो है रेंडम कार्ड जो है यहाँ ले सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना प्रोमो कोड जो है यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोमो कोड लिख लेता हूँ इसमें। तो जैसे ही हम लोग जो है प्रोमो कोड जो है डालेंगे इसमें और क्लिक करेंगे, हम लोग को जो बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलेंस है वो माइनस हो चुका है। तो यहाँ पर रेंडम कार्ड की डिटेल आपको जो है फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर रेंडम कार्ड की डिटेल जो है जल्दी से फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी कार्ड की डिटेल जो है फिलअप कर देता हूँ। प्लान परचेज करने के बाद इसका कुछ इस इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ अपना दूसरा चैनल भी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लोगो दिख रहा है चैनल का, वहाँ क्लिक करना है आपको यहाँ से, और जो ऐड चैनल है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें ऐड चैनल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा दूसरा चैनल भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है जिस भी मेल आईडी से आपको दूसरा चैनल ऐड करना है, यहाँ से हम लोग जो चैनल हमें ऐड करना है उस चैनल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ये परमिशन मांगेगा, उसको हम लोग यहाँ से अलाउ कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ से अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद जो है हमारा सेकंड चैनल भी यहाँ से जो है ऐड हो चुका है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा चैनल भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसा कि हमने पहले चैनल ऐड किया था, वैसे इस मेथड से हम लोग अपना दूसरा चैनल भी ऐड करेंगे। तो चलिए मैं अपना दूसरा चैनल भी यहाँ से सेम मेथड से ही ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ क्लिक करने के बाद लोगों पर ऐड चैनल पर हम लोग जाके उसको भी यहाँ से ऐड कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग जिस भी चैनल को ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको अलाउ कर देंगे।
अलाउ करने के बाद हमारा वो सेकंड चैनल भी यहाँ से जो है ऐड हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारा सेकंड चैनल भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।